अब चुटकुलों की होगी बारिश। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें डेली वीडियो पाने के लिए। लड़की, पापा ने हमारी शादी के लिए एक शर्त रखी है। लड़का, क्या? लड़की, तुम्हें कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर चुनाव जीतकर दिखाना होगा। लड़का, अच्छा बहन मैं चलता हूँ। आजकल 10 साल के बच्चों के पास आईफोन और स्मार्टफोन्स हैं। जब मैं 10 साल का था तो मेरे पास एक फ़ोन था जिसका कोई भी बटन दबाने पर एक आवाज़ आती, बुमरो बुमरो सामरंग बुमरो। वो तो हम हिंदुस्तानियों का बस नहीं चलता, वरना टूथपेस्ट की जगह गैस सिलेंडर को भी दबा दबा के उसमें से जो बची कुची गैस है उसको भी निकाल लें। पप्पू, कल मैंने एक रॉकेट छोड़ा तो सीधा सूरज से टकरा गया। बंटी, फिर क्या हुआ? पप्पू, फिर मेरी पिटाई हुई। बंटी, किसने पीटा? पप्पू, अरे सूरज की मम्मी ने यार। सुहागरात थी, सास ने जोर से दरवाजा खटखटाया, दुल्हन घबराकर पर्दे के पीछे छिप गई। दूल्हा, डरती क्यों हो? माँ है। दुल्हन, हे भगवान मैं समझी छापा पड़ गया। लाइन मारने के बहुत से तरीके होते हैं, इनमें से तीन बेस्ट तरीके हैं, पेंसिल से लाइन मारना, पेन से लाइन मारना, मार्कर से लाइन मारना। अरे अच्छा सोचो, कुछ लोग शरीफ भी होते हैं मेरी तरह। डॉक्टर कहता है सुबह जल्दी उठो, उम्र बढ़ती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि एक मुर्गा सुबह जल्दी उठता है और शाम को शहीद हो जाता है? अरे वहम से बचो, आराम से उठो। आरामदायक विभाग द्वारा जनहित में जारी।